टूजी घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने मंगलवार को लॉबिस्ट नीरा राडिया टेप की गई बातचीत के मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज की है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत लंबे इंतजार के बाद मंगलवार से 1000 मेगावाट की पहली इकाई में बिजली उत्पादन शुरू हो गया। इसके साथ ही संयंत्र की पहली यूनिट को दक्षिणी बिजली ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। इस इकाई में नाभिकीय विखंडन 13 जुलाई को ही शुरू हो गया था। 1000 मेगावाट क्षमता वाली इस इकाई को दक्षिणी ग्रिड से जोड़ने के बाद 15 नवंबर तक उत्पादन 100% के स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सजा को खारिज करने की अपील दायर की है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 13 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। मसूद निचली अदालत में दोषी पाए जाने के आधार पर अपनी राज्यसभा की सदस्यता खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन युक्त शीतल पेय पदार्थों की निगरानी और जांच को मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला करार देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को सभी कार्बन युक्त शीतल पेय की निगरानी और उनकी निश्चित अवधि पर जांच का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में नागरिकों को शीतल पेय से होने वाले नुकसान से बचाने और इन पेय पदार्थों के विनियमन के लिए एक अलग पैनल बनाने की मांग की गई थी। तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद राजगोपाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दिए गए इस्तीफे को मंजूर करने या फिर निरस्त करने की मांग की थी। गौरतलब है कि देश से बाहर होने के कारण उनके द्वारा दिए गए इस्तीफे पर फैसला लेने में कुछ देरी हुई थी जिस पर सांसद राजगोपाल दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए थे। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद मंगलवार को बाजार सपाट स्तरों पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 20,865 और निफ्टी 2 अंक गिरकर 6,203 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आधे से 1% चढ़े। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑटो ऑयल एंड गैस रियलिटी शेयरों में करीब 1 से 0.25% की गिरावट आई। FMCG शेयरों पर भी दबाव रहा। मेटल शेयरों में सुस्ती दिखी। पावर शेयर 1.75% चढ़े। कैपिटल गुड्स PSU IT शेयर 1 से 0.5% मजबूत हुए। तकनीकी बैंक हेल्थ केयरों में 0.4 से 0.2% की बढ़त आई।